नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर दिन भर। तो चलिए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी IRC में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 1 नवंबर 2022 से 29 फरवरी 2024 के बीच अवार्ड 467 शोधार्थियों को PhD की डिग्री दी गई। 467 को PhD डिग्री के अलावा विभिन्न संकायों में उत्तीर्ण होने वाले 1,68,672 स्टूडेंट की डिग्री भी दी गई। इस मौके पर 126 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अब खबर अयोध्या में राम मंदिर से, जहां पर सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह 5:25 की बताई जा रही है। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा है। सूत्रों ने बताया कि घटना के समय जवान कोटेश्वर मंदिर के सामने बन रहे VIP गेट के पास तैनात था। यहां से राम मंदिर का मुख्य हिस्सा महज 150 मीटर की दूरी पर। अब खबर नवनिर्मित नीमना जिले से है, जहां पर मंगलवार को हुई महिला बैंक कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे क्राइम सीन की जगह पर भी लेकर गई थी। मृतिका शिखा अग्रवाल की बुआ अंकिता ने दावा किया है कि शिखा का पति पंकज उर्फ पंकज अग्रवाल उससे एक एग्रीमेंट कराना चाहता था। एग्रीमेंट में वह अपनी आधी सैलरी उसकी माँ को देगी लिखवाना चाहता था। इसके बाद वह उसे अलवर ले जाने की बात भी कही थी। एग्रीमेंट में पीहर से संबंध तोड़ने की बात भी लिखी थी। खबर अब झालावाड़ जिले से है, जहां पर भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 ग्राम स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त की गई आरोपी की बाइक को भी जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक रीता तोमर ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में चलती कार्रवाई खतरनाक स्टंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी स्टंटबाज युवक आशीष को गिरफ्तार कर स्टंट में प्रयुक्त कार जब्त कर ली है। आरोपी युवक का कुछ दिनों पहले चलती कार पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने बताया कि आम सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर चलती गाड़ी पर स्टंट करने सोशल मीडिया पर रील वायरल करने के मामले में पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के पाड़लिया गांव में कृषि कार्य करते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने CST चौक में लाल आए और शव को मोटरी में रखवाकर गंगधार पुलिस को सूचना दी। दरअसल गंगधार थाना क्षेत्र के पाड़लिया गांव में युवक पवन अपने खेत पर कल रात्रि में हरी घास को पानी देने गया था। सुबह जब युवक के परिजन देखे तो वहां पर पहुंचे तो मृत अवस्था में पाया गया। जयपुर के मानसूर इलाके की 27 कॉलोनियों में JDA ने आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेश पर एरिया की सड़क चोरी करने के लिए अवैध यजमान तोड़े जा रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन भी शुरुआत में JDA व्यापारी सरकारों को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए। जयपुर में बुधवार की सुबह 3 मंजिला मकान में बने पेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में पेंट और थिनर होने के कारण आग बत्ती चली गई। पड़ोसी का मकान भी आग के चपेट में आ गया। अचानक लगी आग के बाद लोगों ने दमकल को सुना दी। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में बम से उड़ाने की धमकियों के ईमेल आना बंद नहीं हो रहे। बुधवार को चांदपुर स्थित पारिक स्कूल को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे मेल में लिखा था, बम कभी भी पड़ सकता है, आप सभी जल कर राख हो जाओगे। मेल सुबह करीब 9 बजे स्कूल प्रशासन को मिली थी, जिस पर पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता पुलिस लाइन से जाप्ता ATS और SOG के साथ QRT की टीम भी मौके पर पहुंची गई। पुलिस ने पूरे परिसर को खाली करवाया गया है। गर्मी राजस्थान में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना कहर बनकर बरस रही है। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से 19 जून के बीच 577 हज यात्रियों की मौत हुई है। पिछले साल यह आंकड़ा 244 था। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मरने वालों में 323 नागरिक मिस्र के और 60 जॉर्डन के थे। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के हज यात्रियों की मौत भी हुई है। इनमें कोई भारतीय है या नहीं यह साफ नहीं हो पाया है। करीब 600 से ज़्यादा लोग बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी तमाम खबरें। कल फिर से ऐसी ही खबरों के साथ दोबारा रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।